कि ये कहा गया कि विज्ञापन संख्या 7/2022 जो कि आपका वैकेंसी आया हुआ है, ठीक है ना, उसका एएनएम के लिए एग्जामिनेशन का इंफॉर्मेशन जो कि हरेक स्टूडेंट पूरे बिहार के स्टूडेंट वेट कर रहे थे। तो गाइस सभी लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हरेक उन अपने सिस्टर अपने बहन अपने फ्रेंड जो इस एएनएम का फॉर्म भरे हैं एएनएम का तैयारी करें सभी तक शेयर कीजिए। ये आपका काम है, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि आपका एग्जाम होने जा रहा है जैसा कि मैंने बताया था और इसका क्लासेस भी स्टार्ट स्टडी डेटा पे जो है ना चालू कर दिया गया। कैसे कैसे आपका सिलेक्शन होगा, कितना नंबर का मार्किंग होगा, मार्किंग स्कीम क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एग्जाम में पूछा क्या जाएगा, और आप लोगों को जो अभी जो एक्सपीरियंस वालों हैं उन लोगों को मतलब कितना वरीयता दिया जाए, कितना नंबर का एग्जाम है, उन लोगों कैसे चयन होगा, जो जो नॉन एक्सपीरियंस है जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है उन लोगों का क्या होगा, हर एक चीज इस वीडियो के माध्यम से मैं लाइव अभी दिखाने जा रहा हूं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करके वीडियो में बने रहे, ठीक है ना। चलिए देखिए आज जो ये नोटिफिकेशन है मेन मेन पॉइंट पे मैं बात करूंगा, बाकी ये नोटिफिकेशन आपको हर एक जगह ग्रुप में भी सेंड कर दिया गया है, ठीक है ना। मेन मेन पॉइंट क्या है उसमें मैं बात करूंगा। ये नोटिफिकेशन आज जो जारी किया गया 19/9 को, इसमें जो है ना चयन प्रक्रिया के बारे में पूरा बताया। ये चयन प्रक्रिया के बारे में क्या बताया गया, ध्यान सुनिए। प्रथम चरण जो होगा आपको कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा, आपका सीवीटी होगा, जैसे 8853 का एग्जाम हुआ था ना, 8853 जो वैकेंसी आया था उसी तरीका से आप लोग का पहला चरण होगा जिसमें एग्जाम होगा, ठीक है, एग्जाम होगा। और क्या बताया गया कि एग्जाम कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, क्या होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, कितना नंबर का एग्जाम होगा, 100 नंबर का एग्जाम होगा और 100 क्वेश्चन होगा, मतलब कहने का मतलब है 100 क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन एक नंबर का, यानी 100 नंबर का एग्जाम होने जा रहा है, ठीक है ना। परीक्षा की अवधि क्या होगा, परीक्षा 2 घंटे की होगा और कुल 100 अंक का एग्जाम होने जा रहा है, ठीक है ना, आपको ये चीज पता होना चाहिए। परीक्षा जो होगा 100 नंबर का वो किस भाषा में होगा, तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में आपका एग्जाम होने जा रहा है, ठीक है ना। चलिए अब कंप्यूटर पे टेस्ट होगा, क्योंकि आपको सीबीटी मतलब ऑनलाइन एग्जाम होता है कंप्यूटर पे, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि स्टूडेंट की संख्या ज्यादा जब रहता है तो ज्यादा शिफ्ट में एग्जाम होता है, ज्यादा डेट में एग्जाम होता है, जब ज्यादा शिफ्ट ज्यादा डेट में एग्जाम होता है तो आपको ये नहीं पता चलता कि कौन से शिफ्ट का कितना स्कोर कितना कैसे क्या रहेगा, कौन हार्डनेस हार्ड शिफ्ट था, कौन कम मतलब हार्ड वाला शिफ्ट था, क्वेश्चन का लेवल नहीं पता चलता है, इसीलिए वहां पे नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन जो नंबर आएगा उसको नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा, ठीक है ना। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग लागू किया जाएगा। देखिए इस बार से जो है ना नेगेटिव अगर आप गलत कीजिएगा तो नेगेटिव मार्किंग आपको कटेगा जो कि 1/4 होगा। जैसे एक वो सही कीजिएगा तो आपका 1 नंबर मिलेगा और एक वो अगर गलत कीजिएगा तो सही में से 0.25 नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है ना। और ये सभी आपको नॉर्मलाइजेशन होगा, सभी शिफ्टों में जो एग्जाम होगा उसका नॉर्मलाइजेशन होने जा रहा है। और ये जो है आपको उसके बाद जो है ना नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है ना अंक जो आएगा उसका परसेंटेज निकाल करके फिर मेघा सूची तैयार किया जाएगा। और अब बात करते हैं मेघा सूची में क्या क्या चीज है, ये सब तो आप लोगों को पहले से ही पता है कि जो पिछड़ा वर्ग का 40%, अत्यंत पिछड़ा का 36%, अनुसूचित जाति का 34% और ये सबका जो है ना सबका जो है ना कैसे कैसे परसेंटेज में आरक्षण है बिहार में आप लोगों को पता है। मेन हम लोग को यहाँ पर बात करते हैं प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थी को अपने कोटी के अनुसार न्यूनतम अर्हता प्राप्त होने पर अभ्यर्थी का कोई भी दावा मान्य नहीं किया जाएगा। मतलब ये जो न्यूनतम जो है ना इतना इतना नंबर लाना है, ये जो दिया गया है ना, ये जो दिया गया है प्राप्त इतना नंबर पिछड़ा वर्ग के लिए इतना परसेंट या अत्यंत पिछड़ा के लिए इतना परसेंट, ये जो दिया गया है अगर आप इतना नंबर ला लेते हैं तो ये मतलब नहीं समझिएगा कि आप सेलेक्ट हो गए हैं, ठीक है ना। आपको मेरिट लिस्ट में आना पड़ेगा, मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा जैसे 8853 में मेरिट लिस्ट जारी हुआ था। ध्यान से सुनिए, जैसा कि मैं 1 महीना पहले वीडियो बताया था इसका पूरा जिक्र किया था कैसे कैसे आपका एग्जाम होगा, कैसे मार्किंग स्कीम होगा, आपका एग्जाम होने जा रहा है, सेम वही चीज इसमें भी डाल दिया गया नोटिफिकेशन में, सेम और सेम वही चीज आपने वीडियो उठा करके देख लीजिएगा। 1 महीना पहले स्टडी इंडिया का 1-2 वीडियो डाला था एएनएम के रिगार्डिंग स्टडी इंडिया इस चैनल पे। ध्यान से देखिए आपका जो एग्जाम जो होने जा रहा है प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्राप्तांक अंक के लिए 60 नंबर, देखिए 100 नंबर का एग्जाम होने जा रहा था, 100 नंबर का एग्जाम होने जा रहा तो 60 अंक कैसे दे रहे हैं सर, ऐसे कैसे होता है, 100 नंबर का एग्जाम होगा तो आपका जो नंबर आएगा वो परसेंटेज में आएगा कि इतना परसेंट आ रहा है, ठीक है ना। तो उसमें से जब मेरिट तैयार किया जाएगा उसमें क्या होगा, 60 अंक का जो है ना आपको सीबीटी एग्जाम होगा उसमें से 60 नंबर लिया जाएगा, इसमें से 60 नंबर उसमें से लिया जाएगा, ठीक है ना, 60 नंबर मैक्सिमम 60 नंबर है। और जो उच्चतर कोर्स है जो जीएनएम कर रखा है उसको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा,
बीएससी नर्सिंग कर रखा है उसको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब जी जो है ना बीएससी नर्सिंग एमएससी नर्सिंग ये सब कर रखा है वो सबको जो है ना 15 अंक मिलेगा, ठीक है ना। यानी मैक्सिमम 15 अंक जो है ना हायर डिग्री के लिए रखा गया है। अगर आप जीएनएम कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा में एएनएम के बाद जीएनएम आपको 10 नंबर मिलेगा, बीएससी नर्सिंग कर रखे हैं या फिर एमएससी नर्सिंग कर रखे हैं तो 15 नंबर मिलेगा, ठीक है। ये चीज रहा हायर डिग्री वालों के लिए। और सर ये तो हायर डिग्री हो गया, जो एक्सपीरियंस जो इतना दिन से काम कर रहे हैं उखनी का होगा सर? अरे वो खनियों के लिए भी होगा, उखनी के लिए और भी बेनिफिट है, 25 नंबर एक्स्ट्रा में, ठीक है ना। तो ध्यान सुनिए, बिहार राज्य के अंतर्गत अवस्थित सभी सरकारी और गैर निजी सरकारी में अगर काम कर रहे हैं सरकारी केंद्र या फिर पंचायत नगर निगम या फिर जो 1853 वाला वैकेंसी हुआ था उससे पहले भी जो ज्वाइन किए हुए हैं वो सभी का अगर अनुभव है तो प्रत्येक वर्ष के लिए 5 नंबर दिया जाएगा। अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 5 नंबर, 2 साल का 10 नंबर, ऐसे कर करके दिया जाएगा, ठीक है ना। और अधिकतम 25 अंक दिया जाएगा एक्सपीरियंस का। इसमें क्या होगा, किसी कार्य अवधि के लिए आपको जितना भी आएगा किसी वर्ष में अंश के लिए कार्य दिवसों की संख्या से 5 से गुना करने के पश्चात 365 से भाग देने पर अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा। मतलब सिंपल सी भाषा है कि आपको जितना एक्सपीरियंस आएगा, जितना एक्सपीरियंस आपको आएगा उस एक्सपीरियंस का क्या करना पड़ेगा कि आपको जो है ना जैसे 5 साल एक्सपीरियंस है तो 25 हो गया, उसको जो है ना क्या किया जाएगा 365 से भाग देकर के अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा, ठीक है ना। और आपको यही चीज मेन है जो कि एक्सपीरियंस वालों के लिए ज्यादा मतलब कह सकते हैं इसको बेनिफिट है और नॉन एक्सपीरियंस वालों के लिए ये चीज है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो एक्सपीरियंस है उन लोगों को पढ़ाई से बहुत वास्ता दूर हो गया है तो उन लोगों का सिलेक्शन ये एग्जाम जो 60 नंबर है ना इसमें आना बहुत मुश्किल है। इसीलिए यहाँ पे सारा क्लासेस करवाया जा रहा है कि सभी जितने भी बिहार में एएनएम का फॉर्म भरे हैं सभी के लिए बेहतर मौका है कि आप ग्रैब कर लीजिए, सिलेक्शन आपके हाथों में होगा, बस मेहनत करना, जितना कंटेंट आपको करवाया जाएगा उतना कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे देखिए यहां पर क्या होगा, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है उन लोगों को 60 नंबर जो है ना यही मेन चीज है, जो एग्जाम है वही के बदौलत आपका सिलेक्शन होगा। जिसके पास जो है ना हायर डिग्री नहीं है तो वो भी कैसे लेंगे, वो 60 नंबर में ही मेरिट लाना पड़ेगा, ठीक है ना। जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो भी 60 नंबर मिलेंगे, जिसके पास हायर डिग्री नहीं है वो भी 60 नंबर, जिसके पास हायर डिग्री है तो उन लोगों को थोड़ा और बेनिफिट हो गया, जिसके पास हायर डिग्री भी है साथ में क्या है एक्सपीरियंस भी है तो उन लोगों को सबसे ज्यादा बेनिफिट हो गया। अब देखिए ये जो 60 अंक का जो आपका एग्जाम होने जा रहा है ना, जो 60 अंक का जो एग्जाम मतलब नंबर 60 अंक का जो आपको मेरिट में नंबर जोड़ा जाएगा वो कैसे जोड़ा जाएगा, ये पॉइंट में सब चीज क्लियर किया है। यहाँ पर ध्यान से सुनिए क्या बोल रखा है, ध्यान सुनिए, मैं यहाँ पे कंफ्यूजन को दूर करूंगा। देखिए प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंकों में किसी अभ्यर्थी को प्रदान किए जाने वाले अंकों की अवधारणा प्रतियोगिता परीक्षा में कुल अंकों का प्रतिशत, मान लेते हैं आप 100 नंबर का एग्जाम दिए, 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है, मान लेते हैं इसमें आप 70% नंबर लाए, कितना परसेंट 70%, जब 70% लाए तो आपको क्या करना पड़ेगा 60% 70% कितना भी परसेंटेज आपका है उसको मान लेते 70% लाए तो 70 × 0.6 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, 0.6 से गुना करने पर किया जाएगा। मान लेते हैं देखिए यहां पर बताया गया जैसे 0.6 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 7×6 42, ठीक है ना, 42.0 होगा, पॉइंट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा जल्दी बताइए पॉइंट हट जाएगा तो कितना बचेगा 42 बचेगा, ठीक है ना। इसको साइड रखिए, यहाँ पर एग्जांपल क्लियर दे रखा है उसको ऊपर देखते हैं। मान लेते हैं 100 नंबर का एग्जाम हुआ, किसी अभ्यर्थी ने 50% अंक लाया, कितना परसेंट 50% अगर मान लेते हैं अंक लाया तो क्या हो जाएगा 50 × 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6×5=30, यानी 30 नंबर आपका मेरिट में काउंट होगा, 30 नंबर आपका मेरिट में काउंट होगा। तो ये सबसे ज्यादा बेनिफिट उन लोगों के लिए है जिनके पास हायर डिग्री है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, उन लोगों का सिलेक्शन होने का चांस इसमें ज्यादा है। जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो क्या करेगा, उन लोगों को जो 60 नंबर है ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, 60 नंबर में से मान लेते हैं आप 80% नंबर लाते हैं तो 80 × 0.6 यानी 8×6=48 नंबर आपका अगर आता है, ये सब मेरिट का खेल है और यही मेरिट में काम होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है फ्रेशर है उन लोगों को एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना पड़ेगा और वो चीज का स्टडी इंडिया पूरा कंप्लीट व्यवस्था किए हुए है और आपको डेली क्लासेस करवाया जा रहा है, ठीक है ना। ये सारा चीज आपको बताया जा रहा है, सब चीज का कार्य अनुभव जितना है ना ये सब आपको देख लीजिएगा, मुझे अगर टाइम मिलेगा तो मैं फिर से वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। तो ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा आप लोग देख लीजिएगा, ये सब देख सकते हैं कैसे कैसे डिग्री है आपको लेना है, ये सब डिग्री जो हायर डिग्री है उन लोगों को कब तक कंप्लीट करना है सारा पीडीएफ में आपको मतलब दिया गया है कि कब तक आपका डिग्री कंप्लीट हुआ रहना चाहिए, ठीक है ना। ये सारा चीज इन लोगों को इसमें दिया गया है। तो अब मेन बात है कि अब इसमें करना क्या है, ध्यान से सुनिए, ठीक है, करना क्या है। देखिए यहाँ पर बताया गया कार्य अनुभव का दावा करने वाले विद्यार्थी जितने भी हैं जो एक्सपीरियंस चाहते हैं या फिर एक्स्ट्रा डिग्री है उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, 10/6/2023 तक निर्गत होने का मान
किया जाएगा, कार्य अवधि की गणना 2/8/2022 तक की जाएगी, ठीक है ना। ये सब चीज आप लोगों को पता होने का प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है, जो एक्सपीरियंस है वो सब अनिवार्य है, क्या करना अपलोड करना, वो सारा चीज इसमें बताया गया है। और ऑलरेडी बहुत लोग सब तो फॉर्म भरे तो अपलोड ऑलरेडी कर दिए हैं, ठीक है ना। चलिए, तो जो नहीं किए हैं वो जो है ना वेबसाइट से जाकर के, जब 22 तारीख को ओपन होगा, ठीक है ना, 22/9 से 6/10 तक आप लोग एक्सपीरियंस या फिर कुछ अपलोड डॉक्यूमेंट्स में अगर सही से नहीं डाले तो मॉडिफाई करके आप वहां पे चेंज कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मेन चीज रहा कहां पे एग्जाम को लेकर के, कि आपका 100 नंबर का एग्जाम होगा। अब बात आता है सिलेबस क्या है सर जी, 100 नंबर का एग्जाम होगा तो सिलेबस क्या है, तो सिलेबस वही है जो 1853 में था। क्या क्या? रीजनिंग होगा, मैथ होगा, टेक्निकल होगा, जीके होगा, जो हर एक चीज आपको करवाया जा रहा है, कितना कितना पैटर्न को सारा एप्लीकेशन पे ये सारा नोटिफिकेशन दिया गया है। अब बात करते हैं एग्जाम कैसे निकालेंगे सर जी, तो वो हर एक चीज यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर आइए, जब 1853 जब वैकेंसी हुआ था उसमें देखिए हर एक बिहार का सभी जिला में हमारे स्टूडेंट ज्वाइन किए हुए हैं 1853 में, देख सकते हैं ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से है। उसके बाद मैं प्रोसेस आपको बताऊंगा कैसे आपको इसका फायदा उठाना है आपको कोर्स में इनरोल होकर के। देखिए ये आपको गया बिहार का रहने वाले अंशिका नंदिनी है। आगे बात करते हैं तो कृपा कुमारी पूर्णिया, सब गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइन कर चुके हैं स्टडी इंडिया का स्टूडेंट 1853 में, ठीक है ना। कृपा कुमारी पूर्णिया जिला के हैं, रेणु कुमारी औरंगाबाद जिला के, प्रीति कुमारी वैशाली जिला के हैं, काजल कुमारी सहरसा जिला के हैं, अनुपम कुमारी बेगूसराय जिला के हैं, रंजू कुमारी गया जिला के हैं, स्वीटी कुमारी मुंगेर जिला के हैं, ममता कुमारी मधुबनी जिला के हैं, श्वेता कुमारी वैशाली जिला के हैं, उषा कुमारी नालंदा जिला के हैं, ये आपको हो गए, कुमकुम कुमारी नवादा जिला के हैं, रोशनी कुमारी समस्तीपुर जिला के हैं, खुशबू कुमारी रोहतास जिला के हैं, सरिता कुमारी कैमूर जिला के हैं, अनीता कुमारी गया के हैं, नेहा कुमारी गया के हैं, पूजा कुमारी छपरा बिहार के हैं, नेहा कुमारी मुंगेर के हैं, स्मृति कुमारी बेगूसराय के हैं, प्रियंका कुमारी बेगूसराय के हैं, प्रियांशु कुमारी जहानाबाद के हैं, आरती कुमारी खगड़िया के हैं। ऐसे ऐसे न जाने कितने स्टूडेंट हैं। ये जो है ना, मैं उस समय कुछ डाटा लोग स्टूडेंट सेंड किए थे उन्हीं का रिकॉर्ड है, बाकी ऐसे लिस्ट में देखा जाए तो बहुत से स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ 1853 वाला में। तो आप लोगों के लिए ऑफर, आज जब एग्जाम का खुशखबरी आ गया है फिर से, तो आप लोगों के लिए ऑफर 1853 का जो ऑफर चल रहा है, तो ये इसमें जल्द से जल्द, सीट बहुत लिमिटेड है, ये 100 स्टूडेंट के लिए मैं फिर से ऑफर दे रहा हूं, सभी लोग जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। क्लासेस स्टार्ट है, आपको करना क्या है ज्वाइन करने के लिए, आपको करना क्या है मैं एक बार लिख देता हूं, ये जो नंबर है ना ध्यान सुनिए, 8544-6153-52, ये नंबर पे क्या करना है, कॉल करना है या फिर व्हाट्सएप करके 8544-6153-52, और आपको करना है कि मुझे ANM का बैच ज्वाइन करना है। आप लोगों के लिए बिहार का सभी डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी ज्वाइन करके पढ़ रहे हैं, 10 से 15 दिन पहले क्लासेस स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग जल्द से जल्द इनरोल हो जाइए अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं, सरकारी ANM बनना चाहते हैं। तो ये जो 999 फी है ना, ये फी को मैं अभी 100 स्टूडेंट के लिए कम कर दे रहा हूं, यानी ये फी कर दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए, 799 में आपका पूरा कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। जो एप्लीकेशन से ज्वाइन कीजिएगा तो ज्वाइन करते वक्त SIA100 कैपिटल में ये कूपन कोड डालिएगा तो 100 रुपया का डिस्काउंट हो जाएगा, या फिर 8544-6153-52 नंबर पर कॉल करके आप लोग इंक्वायरी कर सकते हो। जल्द से जल्द मात्र 100 स्टूडेंट के लिए ऑफर रखा गया, मात्र 100 स्टूडेंट्स के लिए ये 799 वाला ऑफर रखा गया, तो सभी लोग जितने भी आपके आसपास में हैं, आपको फॉर्म भरे हैं ANM का, सभी लोग जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले, क्योंकि ये क्लासेस स्टार्टिंग चल रहा है, मैं अभी जस्ट क्लासेस लेकर के ये नोटिफिकेशन आया, तो अभी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, ठीक है ना। क्लासेस का टाइम कैसे है जी, साल भर के लिए पूरा आप लोगों को एप्लीकेशन में जो है ना सारा कोर्स मिल जाएगा, ठीक है ना। डेली और लाइव क्लासेस चलता है, ध्यान सुनिए, डेली लाइव क्लासेस चलता है। अगर आपके पास जॉब में है, काम कर रहे हैं, टाइम नहीं मिल रहा, तो आपका एप्लीकेशन में सेव हो जाएगा, जब आपके पास समय है तब आप देख सकते हैं उस क्लासेस को, उस वीडियो को, उस PDF को, हर एक कंटेंट, जितना कंटेंट है लिमिटेड कंटेंट दिया जाएगा, जितना कंटेंट दिया जा रहा है उतना पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए टाइम टेबल क्या है, अभी का क्लासेस का टाइम टेबल सफलता बैच है, अभी का क्लासेस का टाइम टेबल कुछ इस तरीका से देख सकते हैं, 5:30 से 6:30 बजे जो है ना रीजनिंग चलता है, रीजनिंग फिर ANM का टेक्निकल, टेक्निकल फिर मैथ चलता है, मैथ 6:30 से 7:30 मैथ, फिर जीके का क्लास चलता है, ये सारा व्यवस्था आप लोगों के लिए कर दिया गया है, ठीक है ना। जब ये टाइम में आप हैं तो आप क्लासेज लाइव कर सकते हैं, अगर आप इस टाइम में फ्री नहीं है तो जब फ्री है तब आप देख सकते हैं, आपके एप्लीकेशन में सेव हो जाएगा, ठीक है ना। तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करके जो है ना क्लासेस जल्दी जल्दी आज ही ज्वाइन कर लिए, मैक्सिमम जैसे ही नोटिफिकेशन आया धड़ाधड़ कॉल आना शुरू हो गया, ऑलरेडी पहले से भी बहुत लोग ज्वाइन किए हुए, अपने दोस्त फ्रेंड सर्कल को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये ऑफर आप लोगों के लिए 8544-6153-52 नंबर पर कॉल करके फटाफट जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, कि आप लोगों के लिए एग्जाम है, सारा पैटर्न सब चीज आपको बता दिया गया, कुछ डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, या फिर इस नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर भी हर एक जगह सेंड कर दिया जाएगा।
या फिर आपको ये क्या बोलते हैं वेबसाइट देख सकते हैं यहाँ पर ऑफिशियल, या आपको मैं बता दूं कि व्हाट्सएप ग्रुप है इन लोगों का, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप दे दिया हूँ, वहां पे भी आप लोग ज्वाइन कर पूछ सकते हैं, क्योंकि वहां पे सब ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है ना, इसमें 2853 वाला में और इसमें भी ऑलरेडी ज्वाइन करके स्टडी कर रहे हैं। तो ये ऑफर आप लोगों के लिए रखा गया 8540-6552 नंबर पर कॉल करके फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। ये ऑफर को हटा करके ऑफर रख दिया है 799 आप लोगों के लिए, मात्र 100 स्टूडेंट्स के लिए 8540-6552 नंबर पर कॉल करके ज्वाइन कीजिए या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए मुझे ज्वाइन करना है, ठीक है ना, यही मौका है, क्योंकि बार बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा, ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए सेशन को